पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के हॉस्टल अधीक्षक के खिलाफ आजाद हॉस्टल के छात्रों ने लिखित शिकायत की है। छात्रों ने शिकायत में कहा कि छात्रावास अधीक्षक और बायोटेक्निकल विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कमलेश शुक्ला छात्रों को विभिन्न तरीके से प्रताड़ित करते हैं। वहीं विरोध करने पर कैरियर खत्म करने की धमकी दी जाती है। बता दें कि बच्चों को हॉस्टल वार्डन ने रात को अर्धनग्न प्रदर्शन करने को मजबूर किया, जिसके चलते बच्चे मूर्ति चौक में सोने को मजबूर हो गए हैं। वहीं परेशान छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर छात्रावास अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वे हॉस्टल वार्डन के खिलाफ आंदोलन करेंगे।